देखिए आज हम आपको प्रिंस हाय दोस्तों, आज आपको हम प्रिंसेस ब्लाउज काटने बताएंगे कि किस तरह प्रिंसेस ब्लाउज के कटिंग किया जाता है। आप अगर मेरा चैनल पर फर्स्ट है, मेरा चैनल का नाम खुशी लेडीज टेलर का नाम पर है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल का नाम खुशी लेडीज टेलर। क्या करते हैं कि मेरा चैनल को खुशी लेडीज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो अनसब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं आपको लॉकडाउन जो अभी चल रहा है उसके थीम में कैसे आपको हम वीडियो आपको पास पहुंचेगा। तो आज हम आपको घर बैठे ही आपको वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं मेरा, तो मेरा चैनल खुशी लेडीज टेलर को भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना। अब आपको हम बताएंगे आपको 32 इंच ब्लाउज बनाने के लिए कैसे कटिंग करेंगे और क्या इंच लेंगे। पहले हम 32 नंबर ब्लाउज बनाने के लिए 32+4 लेंगे, यानी ब्लाउज बनाने के लिए 32+4 लेंगे यानी 36, इसलिए 4 इंच लेंगे कि हमको 2 इंच एक्स्ट्रा। 32 नंबर ब्लाउज बनाने के लिए 32+4 लेंगे यानी 36 इंच, 36 इंच लेंगे, 4 लेंगे क्योंकि 2 इंच हमारा सिलाई में जाता है, तो सिलाई में जाता है उस जो हम 36 लेंगे उसका हमको पहला हिस्सा यानी चौड़ाई हिस्सा हमको मानते हैं कि पहले हमको ब्लाउज पीस को इस तरह कटिंग कर इस तरह साय रखना होगा। चौकूट कपड़ा हम पहले लेंगे और चौकूट कपड़ा लेके उसको हम चौथाई हिस्सा यानी मोड़ के हमको 9 इंच लेना होगा। चौथाई हिस्सा उसको हम कहते हैं जो हम उसको इसको हम मोड़ लिए हैं और हमको 9 इंच पर लेना है। 32 नंबर ब्लाउज बनाने के लिए 32+4 यानी 36 इंच लेना होगा, उसको हमको 9 इंच पर हमको रखना होगा। देखिए 9 इंच लेकर उसके बाद हम गला के लिए देखिए 6 इंच हम पहले से निशान आपको दे दिए हैं, तो हमको 36 इंच यानी 6 इंच लिए हैं, 6 इंच लिए हैं। ये देखिए 6 इंच हमारा धौना है जिसमें हमका ये ज्वाइंट होगा, कंधा जिसको हम कंधा कहते हैं। उसके बाद 6 इंच के बाद हमको 5.5 इंच पर नीचे लेना होगा। 5.5 इंच हमारा गला का बाजू है। देखिए कभी कभी होता है कि बोलने में मिस्टेक हो जाता है, तो इसलिए ये हमारा क्या हुआ 6 इंच यहाँ से लेते हैं हम कंधा के लिए। उसके बाद हम 5.5 इंच लेंगे, आप देख सकते हैं मैम 5.5 इंच लिए हुए हैं। उसके बाद हम इधर 1.5 इंच पर गोलाई लगा लेंगे, बाजू का हिस्सा जो है 1.5 इंच पे गोलाई लगा लेंगे हम। ये 32 नंबर ब्लाउज बनाएंगे। उसके बाद गला, गला तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डिप पहनना चाहते हैं। तो ये मेरा पीछे का साइज है, हम 15 इंच पे लंबाई लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए मेरा 15 इंच पे लंबाई है। उसके बाद हम गला के लिए हम लिए हैं 9.5 इंच, 9.5 इंच लेकर और इस तरह हम कर लेंगे। उसके बाद हम कलश डिजाइन बनाएंगे। कलश डिजाइन बनाने के लिए हम इस तरह करके इस तरह करके इस तरह करेंगे, ठीक। उसके बाद इसको हम जो निशान लगाए हुए हैं इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि प्रिंसेस ब्लाउज में ये पहले पीठ जो होता है पीछे साइड हमारा बैक साइड वो कटिंग होता है। कटिंग करने के लिए हमको इस तरह करके देखिए इस तरह हम कपड़ा को कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम गला को इस तरह कट करेंगे। ये हमारा कॉटन कपड़ा पे है, अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है। पीछे साइड है, देखिए मेरा पीछे साइड कट गया। हम कलर डिजाइन बनाए हुए हैं, इसको बाद में आपको जब हम सिलाई करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि किस तरह सिलाई किया जाता है। साइड से ज्वाइंट कपड़ा देने इधर से हम 4.5 इंच लेंगे, 4.5 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से ऊपर की ओर हम 5 इंच पर लेंगे और इस तरह करके हम निशान लगा देंगे। ये हमारा पीछे साइड है। इसी तरह यहाँ से फिर हम इस तरह कपड़ा को कर लेंगे। हम
ताकि हमारा इस साइड भी हमारा आसानी से हो जाए। देखिए इस तरह करके हम सी लेंगे इसको, यहाँ से ज्यादा इस तरह करके लेंगे और यहाँ कम लाएंगे, इसी तरह यहाँ से हम ज्यादा लेंगे और यहाँ से कम लेंगे। ये हमारा बैक साइड है पीछे का है, हम यहाँ पर नेट लगाए हुए हैं, ये मेरा प्रिंसेस ब्लाउज है तो इसमें हम नेट नहीं लगाएंगे, इसी कपड़ा को हम बनाएंगे, मुड़ेंगे आगे बढ़ाएंगे। क्या करते हैं प्रिंसेस ब्लाउज में हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो देखिए हम आगे कपड़ा बढ़ा लिए हैं। साढ़े पांच इंच लेके हम गोलाई बना लेंगे, ये देखिए हम आगे गला के लिए अढ़ाई इंच लेंगे, आप देख सकते हैं हम अढ़ाई इंच लिए हैं। उसके बाद हम साढ़े पांच पे गला लेंगे, ये कपड़ा हम नाप लेंगे साढ़े पांच पर है, आप देख सकते हैं नाप लेंगे कि आपका आगे गला कितना पर है। प्रिंसेस ब्लाउज में हमेशा गला आगे का छोटा होता है, याद रखिएगा कि हमेशा आगे गला छोटा होता है। तो हम आगे गला के लिए कपड़ा को पहले फोल्ड करेंगे और आगे गला हम नाप लेंगे। तो ये देखिए हमारा तीन पर गला है, आप देख सकते हैं कि हमारा तीन पर है, साढ़े तीन लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा सीने में जाएगा। इंच लेंगे पेड वाला हम प्रिंसेस नहीं बना रहे हैं, देखिए ये हमारा पेड वाला प्रिंसेस नहीं है, इसी तरह कपड़ा है, हमको सेम इसी तरह सादा में प्रिंसेस ब्लाउज बनाएंगे, जिस तरह सादा ब्लाउज बनाया जाता है। तो हम देखिए इसका लंबाई क्या है, हम 12 इंच लिए हैं और 12 इंच लेके इस तरह करके हम निशान लगाए हैं और इस तरह कपड़ा हम थोड़ा सा, उसके बाद हम कट कर लेंगे। देखिए हम कट कर लिए हैं, इसमें हम बाजू निकालेंगे बाद में। हम नहीं काटेंगे क्योंकि प्रिंसेस ब्लाउज में ये वाला पट्टा नहीं कटता है। ये देखिए ये मेरा नीचे का साइड अथी है ब्लाउज, ये भी यहाँ का है। इस जगह हम 3 इंच लेंगे, यहाँ पर ऐसा करके निशान मार देंगे, यहाँ से हम 4.5 इंच लेंगे, इस जगह हम 2.5 इंच लेंगे, इस जगह हम 2.5 इंच लेंगे, 2 लेने के बाद 4.5 लेंगे और 4.5 पर भी निशान मार देंगे, इस जगह हम 3 इंच लेंगे और 3 इंच लेकर इधर से 2.5 इंच ले लेंगे और इसी तरह सेम इस पार्ट को भी बीचे बीचे कर देंगे इस तरह करके। देखिए अब इस जगह भी लग जाएगा, तो हम इस तरह कर देंगे यहाँ तक, ये इस तरह बढ़ाएंगे, ये वाला इस तरह करेंगे और ये वाला इस तरह करेंगे। ये वाला मेरा ये पार्ट, देखिए ये पार्ट मेरा तैयार है, आप देख सकते हैं मेरा इस पार्ट को, देखिए
और इस जगह मेरा ये कपड़ा ज्वाइंट होगा, आप देख सकते हैं इस कपड़ा, और आपका ये कटिंग करने बता रहे हैं। ये गला मेरा ये है, आप देख सकते हैं इस गला को हम कट कर लेंगे। ये देखिए मेरा ये है, तो इस कपड़ा को हम इस जगह काटेंगे। पहले हम यहाँ पर 6 इंच नाप लेंगे, आपको बताए हुए हैं, यहाँ से पहले आप बराबर कर लीजिए। देखिए इस जगह ऐसे करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह निशान लगा के हम सेम टू सेम इसी तरह काट लेंगे। पहले इस तरह का कपड़ा को हम काट कर ले रहे हैं। देखिए ये प्रिंसेस ब्लाउज का जो मेन अथी है, इस जगह आपको हम दिखा रहे हैं प्रिंसेस ब्लाउज। हम आपको सिल के बाद में दिखाएंगे कि किस तरह इसका सिलाई होता है। ये हम आपको प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करने बताए हैं, कटने बताएंगे। हमारा 3 पर 3.25 पर है, तो हम 4 पर बाजू काटेंगे जाएगा और मोड़ने में जाएगा। बता देंगे उसके बाद, देखिए इस तरह करके चेन लगा के हम इस तरह कर दिए हैं और इस तरह निशान हम बाजू पे काट लेंगे। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। इसमें 2 बाजू है, दोनों बाजू का है। देखिए 2 बाजू है, दोनों बाजू का हम कट कर लिए हैं। ओके, हम लेस लगाएंगे, आपको बताएंगे। आगे गला के लिए हमेशा कपड़ा हम तिरछा कटिंग करेंगे। मेरा कपड़ा ज्यादा नहीं लगेगा इसलिए इसमें ज्यादा बड़ा नहीं चलेगा। काज पट्टी और मुहूक पट्टी इसमें छोटा चलेगा क्योंकि पीला है। देखिए ये मेरा काज पट्टी और ठीक पट्टी है, तो हमारा पीछे साइड है, यहाँ से हमको कट हो जाएगा बाद में। और यहाँ पर मेरा पीछे हुक लगेगा इस साइड से, और इस जगह मोड़ा जाएगा इस तरह, इस जगह इस तरह करके सिलाई हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आज आपको पार्ट 1 में हम कटिंग करने बताए हैं और अब पार्ट 2 में आपको हम सिलाई करने बताएंगे कि कैसे इसका सिलाई होता है। और टुकी वाला ब्लाउज ये देखिए मेरा टुकी वाला ब्लाउज है, हम ये कल कटिंग करने के बताएंगे। तो गाइस कैसे लगा आपको हमारा वीडियो, आप कमेंट करके बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बगल के बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।